आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर में फोल्डर कैसे बनाया जाता है, यानी एक न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करा जाता है। तो आइए जानते हैं। सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप उस लोकेशन पे आ जाइए, यानी उस जगह पे आ जाइए जहाँ पे फोल्डर बनाना चाहते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊँगा, यानी दो जगह से, एक स्क्रीन पर और एक फोल्डर्स के अंदर। सबसे पहले हम स्क्रीन पर बताते हैं। तो यहाँ पे आप माउस की मदद से, आपके हाथ में जो माउस है उस पर एक राइट क्लिक होगा, यानी सीधे हाथ वाला बटन होगा जिससे आप रिफ्रेश करते हैं। आप उस बटन को प्रेस करें और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू। न्यू पे क्लिक करें, फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा जो थोड़ा ब्लू कलर में ब्लिंक कर रहा होगा। यहाँ पर आपको इसका नाम रखना है, जो आप नाम बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ माई फाइल, तो हमने कर दिया है। नाम डालने के बाद आप एंटर कर दीजिए सिंपल, और ये फोल्डर बन जाएगा। आप इसे सिंपल ओपन कर सकते हैं और चाहें तो इसमें फाइल मूव कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर बनाना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। आप उस फोल्डर के अंदर आ जाइए, जैसे कि हम यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर आते हैं, ये वाले। आप किसी फोल्डर अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पर ये फोल्डर है। आपको खाली जगह देखनी है, जैसे कि ये खाली जगह है या इसके अंदर ये खाली जगह है, पूरी इसमें खाली जगह है, तो आपको खाली जगह पे राइट क्लिक करना है। तो हम खाली जगह पे राइट क्लिक करते हैं। वहाँ पे कोई फाइल नहीं होनी चाहिए, किसी का नाम भी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे आपको फिर से न्यू ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करें, फोल्डर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा न्यू फोल्डर बनाने के लिए, यानी नीचे या ऊपर देख लीजिए और आप उसका नाम रख दीजिए। हम इसका नाम रख देते हैं इम्पोर्टेंट। और ये हो चुका है, फिर से आपको इसे एंटर कर देना है और आपका जो फोल्डर है वो बन जाएगा। आप देख सकते हैं फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। हम इसे सिंपल ओपन करते हैं तो अभी इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।